ervah-ı ezelde ruhumuzu düğümlere dökmek düşmüş bizim payımıza. Bu diyarın kadınları motiflerle söyler sözünü. Yasını düğümlere, renklere döker. Meşakkatlidir halı dokumak. Düğüm düğüm, sabır sabır, emekle, alın teriyle, kanla yazılan bir hikayedir bu. Burası Antakya. Güzel insanların, atların, türkülerin diyarı. Yetim ve öksüz bırakılmışız. Fransız mezalimini boynumuza bir ilmek gibi geçirmişler. Lakin biliyoruz, bu topraklar özüne dönecek. Yeniden Türk yurdu olacak. Ahdımız var. Bir gün biri gelecek. Zülfikar'ı Salim'in boynuna dayayacak. O gün yeniden bu şehrin göklerinde al bayrak dalgalanacak. जी नहीं निकलती तो मुझे कुछ भी पता नहीं लगता इफ़नान। अच्छा तो इस वजह से घर से निकल गई थी। हाँ और मैं क्या करती, तुम्हें पता नहीं वहाँ क्या हुआ था? इफ़नान मेरा भाई गालिब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, लेकिन अगर मेरा भाई ऐसा हुआ है तो उस हमदान चुड़ैल की वजह से। आजम ये अजीज की वर्कशॉप पे क्या कर रहा है? मुझे क्या पता, चलो देखते हैं। अजीज साहब माल देखने चलें क्या? हमारे पास क्या क्या है? अभी नहीं, अभी मुझे उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाना है। आंटी कहाँ थी आप? अजीज मुझे पता चला आपने घर छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया मैंने वो घर, क्योंकि मेरी गालिब से लड़ाई हो गई थी। अजीज मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास रह लूं, क्योंकि मेरे पास कोई घर नहीं है। मेरा घर भी तो आप ही का है। शुक्रिया। जरा इधर आओ अजीज। मैंने जो सुना वो सच है कि तुम दोनों शादी कर रहे हो? जी हाँ सच है। क्या तुम्हें इससे जबरदस्ती शादी करनी पड़ रही है? नहीं आंटी, वो मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। अजीज बेटा क्या तुम्हें किसी ने अंधा कर दिया है? तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा क्या? बेटा तुम जानते हो ना वो लड़की हमारे बराबर की बिल्कुल नहीं है। वो अपने आप को हमारे लायक नहीं समझती। मैं शुक्र अदा करता हूँ आप उसकी सिर्फ सूरत देख रही हैं, उसकी कीमती रूह को नहीं देख पा रही। तो क्या तुमने इसकी रूह देखी है? हाँ देखी है। इफ़नान एक हीरा है, मैं उससे शादी करूंगा। हाँ अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ठीक है, मैं फिर सब तैयारियां शुरू करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कुछ मत कीजिए, सादगी से कर लेंगे। नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारी शादी का ख्वाब देखा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते अजीज, कम से कम हम एक मंगनी की रस्म तो कर सकते हैं। उस लड़की के भी कुछ अरमान होंगे, तुम ऐसा करोगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। सही कह रही है, तो फिर कीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, मिलकर सेलिब्रेट करेंगे इफ़नान को खुश करने के लिए। ठीक है तुम बेफिक्र हो जाओ, ये सब जिम्मेदारी अब मुझ पे छोड़ दो। बहुत शुक्रिया आंटी। मेरा प्यारा सा बच्चा, मेरा शहजादा इफ़नान, मेरी दुल्हन, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है? मंगनी की तैयारी करने। चलो आ जाओ मेरे साथ अजीज, हम जा रहे हैं। जमील मेरे साथ आओ। अच्छा साहब मैं चलता हूँ।
हमने दर्जी को बुलाया है और हमें कुछ चीजें भी लेनी है। और क्या था? निगार साहिबा, क्या अजीज ने पक्का मंगनी करने का कहा है? उसने ही कहा है। पहले हम मंगनी की रस्म कर लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम मंगनी में खूबसूरत लगो। वो कैसे होगा? अभी मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। मतलब तुम अभी डरी डरी सी लग रही हो, पर तुम फिक्र मत करो, टाइम आने पे सब सही हो जाएगा। ठीक है। आ जाओ। हाँ फैयाज आफंदी, देखो मैं तुम्हें इस काम की पूरी रकम दे रही हूँ। ये लो, सारा सामान हमारे घर पहुँच जाना चाहिए, एक भी चीज कम ना हो। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए निगार साहिबा, सारा सामान आपके घर पहुँच जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जमील, जमील उठो, सुस्त इंसान, इधर आओ, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने यहाँ से कुछ सामान खरीदा है, हमारे घर पहुँचने से पहले उस तमाम सामान को अच्छी तरह चेक करके घर पहुँचा दो, और अजीमे से कहना वो सारा सामान तरीके से रख दे। अजीमे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी ये सारा सामान देख कर। सही कह रही हो बिल्कुल। चलो अब हमें बहुत काम है, अभी और सामान लेना है। मिस निगार, तुम सुबह ही तो आई हो, इतनी जल्दी क्या है? मैं चाहती हूँ तुम थोड़ा आराम करो, तुम तो यहाँ आते ही शॉपिंग में लग गई। तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। अपने गुस्से को काबू में रखो, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैं तो घर का पुराना सामान बदलने जा रही थी, मैं वो सारा सामान जरूरतमंद लोगों में बांटूंगी, अगर वो तुम्हें चाहिए तो वो सब तुम ले सकती हो। तुम बस अजीज के पैसों का दिखावा कर रही हो हंदान। हंदान, तुम एक कतरा छीनकर खुद को समंदर के बराबर समझने लगी हो। अजीज को किसी चीज की जरूरत नहीं, उसके पास पूरा एक जहान है। जरूरत तो तुम्हें थी, इसलिए तुमने सब कुछ छीन लिया। बिल्कुल सही, अजीज को अगर किसी चीज की जरूरत नहीं होती तो क्या तुम यहाँ मार्केट में आती? निगार, इस बात को कभी मत भूलना कि तुमने एक यतीम का हक खाया है, और यही हराम का लुकमा तुम्हारे लिए आगे जाके अजाब बन जाएगा। चलो मेरी प्यारी दुल्हन, हमें तैयारी भी करनी है, हम भी किसके मुंह लग रहे हैं। क्या आपने दुल्हन कहा इसे? असलान, क्या तुम्हें पता नहीं, अजीज और इफनान शादी कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ मार्केट में शादी की तैयारी करने आए थे। चलो चलते हैं। ये देखें कितना प्यारा जोड़ा है ना। हाँ हाँ, देखो देखो, ये वही पुराना अजीज है, उसे अपने जैसी लड़की मिली है। ये क्या तरीका है मेरे ऑफिस में अंदर आने का? तुम इस तरह मेरे ऑफिस में अंदर नहीं आ सकते, चलो बाहर जाओ। मुझे अपने बाबा की बीमारी का रिकॉर्ड चाहिए डॉक्टर, जो कि आपके पास है। देखो मिस्टर अजीज, अगर तुम अपने बाबा की मौत के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे पास मत आओ। तुम्हें अपने बाबा के बारे में जो कुछ भी जानना है जाकर अपने अंकल से जानो। अगर वहां जाने से जवाब मिलता तो मैं उनके पास जाता। मेरा सब्र मत आजमाओ, मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए फौरन। यहाँ कुछ भी नहीं है, ना रिकॉर्ड ना कुछ और। तो फिर कहाँ है वो? यहाँ कुछ नहीं है, जो फाइलें हमारे पास रिकॉर्ड में थी वो सब कुछ जलकर राख हो गई। उन फाइलों में तुम्हारे बाबा की भी फाइल थी। अब मेरी बात समझ में आ गई? अब शराफत से चले जाओ, वरना मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जल्दी लाओ, यहाँ रखो, और वो टेबल को उस तरफ रखो। हाँ लेट जाओ, बस लेटे रहो, बस तुम्हारा तो यही काम है, और आता ही क्या है। और बात सुनो, वो टेबल उस तरफ रखना, यहाँ से हटा दो। कितने प्यारे पड़ते हैं। थोड़ा बैठ जाती हूँ, नहीं अभी तो बहुत काम है। बस करो, और कितना आराम करोगे तुम लोग? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि घर में तैयारियाँ चल रही हैं? बस आराम करने में लगे हैं। हाँ हम कर तो रहे हैं उनकी मदद। ये लड़के, इसे वहाँ नहीं यहाँ रखो। देख कर कुछ तोड़ मत देना, वहाँ रखो इसे। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैर सूज गए हैं। मैंने इतनी खूबसूरत चीजें अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी हैं। पहले तुम इन चीजों को बस देखा करती थी, लेकिन अब ये तुम्हारी हैं, और तुम्हें ही इनका ख्याल रखना है। आइए मिस सुरैया, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ कि हमने आपको यहाँ तक बुलाया, बहुत शुक्रिया आप हमारे लिए आईं। शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैं उस प्यारी लड़की के लिए भी खूबसूरत से कपड़े लाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं बुलाती हूँ। इफनान जल्दी यहाँ आओ मेरे पास, जल्दी।
ये क्या है? तुम कोई छोटी बच्ची हो जो इधर उधर घूमती रहती हो? जरा वहां जाओ और देखो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े आए हैं, चलो जाओ। देखो तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? इफ्तान वो देखना जरा, ब्लू वाला ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा है ना, बहुत प्यारा लगेगा तुम पर। बहुत खूबसूरत है। आप मंगनी के हिसाब से कोई ड्रेस लाई है? बेटा इसमें से कोई पसंद करो। तो बताओ इनमें से कौन सा पसंद है? ये हरा वाला ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा रंग है। ठीक है, हम मंगनी के लिए ये वाला ड्रेस ले रहे हैं। इफ्नान कुछ कपड़े आम पहनने के लिए भी ले लो। हाँ। ये कितने का है? 30 फ्रैंक। ओहो कितना महंगा है ये, बस एक जोड़े कपड़े के इतने सारे पैसे, ये क्या बात हुई? ओह 30 फ्रैंक, ये तो बहुत ज्यादा है, इतने में तो 3 सूट आ जाते हैं। इफ्नान ये कुछ ज्यादा ही महंगा है ना? हाँ कोई दूसरा देख लो। इफ्नान बेटा तुम पैसों की फिक्र मत करो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, चलो अब देखो। हाँ ये बहुत खूबसूरत है, फूलों वाला अलग अलग रंग भी है इसमें। ये कितने का है? ये 10 फ्रैंक का। इसका कपड़ा इतना खास नहीं, मुझे बहुत पसंद आए ये कपड़े, कितने सारे रंग बिरंगे फूल बने हुए हैं। क्या फर्क पड़ता है वैसे भी, अच्छा वाला लूं या सस्ता वाला, और मुझे ये पसंद भी बहुत आया है। आखिर इसकी पसंद तो गरीबों वाली ही रहेगी। इफ्नान क्या तुम्हें लगता है ये पहनने के काबिल है? नहीं है क्या? अगर आप कहें तो मैं आपको और भी ड्रेसेस दिखाती हूँ। ये देखें इसका कपड़ा बहुत मुलायम है। जमील ये मुलायम गाउन तो जरा बाहर निकालो। अजीम तुम्हारे ऊपर भी ये ड्रेस अच्छा लगेगा। जमील ज्यादा बकवास मत करो, जो कह रही हूँ वो करो। चलें अब सैंडल्स पसंद करने। ये सबसे मुख्तलिफ और बहुत खास हैं। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत चप्पल देखी है मैंने, देखे तो जरा। हाँ छुए छुए। हाँ देखे तो कितना नरम मुलायम है ना, इस पर कितने प्यारे पड़ लगे हैं। वो इन्हें खिलौने समझ रही है। आप पहन कर देखना चाहेंगी? हाँ पहनूं क्या? हाँ पहन के देखो। क्या उड़ रही है, देखना कैसे लगते हैं। हाँ जरूर। अरे लड़की इन्हें मोजों के साथ नहीं पहनते। अच्छा तो फिर कैसे पहनते हैं? अरे पगली लड़की ये कैसे चल रही हो, ऐसे नहीं चलते, मैं सिखा दूंगी कि कैसे चलना है। वैसे है बहुत प्यारी। वैसे ये जरा चल के दिखाओ, जरा आराम दे नहीं है। बहुत प्यारी लग रही हो चलती हुई। बहुत मुश्किल हो रही है चलने में। हाँ मोजों की वजह से। बहुत ठंड है। कहां से आ रहे हो, ये क्या लाए हो? जब मैंने वो जवाले के बारे में सुना सोचा मैं भी ले लेता हूँ। इतनी ठंड में बाहर थक गए होगे। हाँ चलो मैं इसे भरता हूँ। ठीक है। थैंक यू। ये लो पियो। ये भी ले लो। इतना दिल कर रहा था मेरा, बचपन में कितना पीते थे हम। हम अपने घर में इकट्ठे होते थे, हमारी नानी भी हमारे साथ होती थी, याद है? साये वाला गेम। साये वाला गेम। हम सब पर्दे गिराते थे और फिर मोमबत्तियां जलाते थे। क्या कर रहे हो तुम? नहीं हम कोई गेम तो खेलने नहीं वाले हैं। नहीं नहीं आ जाओ, हम आज खेलेंगे। नहीं भाई। चलो चलो आ जाओ। क्या कह रहे हो,
बड़े हो गए हैं, कैसे खेलेंगे गेम? वैसे ही जैसे पुराने दिनों में खेलते थे। चलो आ जाओ, आओ बैठो, आ जाओ। मैं शुरू करता हूं। तितली है। तितली ही। डॉल्फिन? नहीं, थोड़ा ध्यान से तो देखो तुम। लेकिन उसी जैसा लग रहा है। नहीं दिलरुबा, चील है। ये चील थी क्या? हाँ चील। ये चील जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा। सही कह रही हो तुम। ठीक है, एक मर्तबा फिर से। ठीक है, अब देखो जरा। हाथी है ये? नो। दांत दिख रहे हैं उसके? ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। घोड़ा है। घोड़ा? हाँ। मैं नहीं मानती। अरे घोड़ा है दिलरुबा। आजम। हाँ बोलो। अजीज अपने कारखाने में लिखना पढ़ना सिखा रहा है लोगों को, क्या मैं वहां पर औरतों को लिखना और पढ़ना सिखा सकती हूँ? तुम इजाजत मांग रही हो? मैं तुमसे एक शौहर की हैसियत से बात करना चाह रही थी। मुझे पता है क्या सोच रहे हो। जाहिर है अजीज के पास मेरा काम करना तुम्हें सोच में डाल सकता है। मुझे इस बारे में नहीं मालूम ठीक है या नहीं। आजम तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, अजीज जल्द ही शादी करने वाला है। शादी? मुझे इस बारे में नहीं पता। उसे वक्त नहीं मिला होगा तुम्हें बताने का, लेकिन वो जल्द ही शादी करने वाले हैं और मैं इफ़नान को लिखना और पढ़ना सिखाना चाहती हूँ। यकीन नहीं आ रहा दिलरुबा, ये सब बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो। ऐसा करते हैं कि तुम मुझे छोड़ा और लिया करना, इस तरह तुम्हें परेशानी भी नहीं होगी। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो ना? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बात उसके बारे में नहीं है दिलरुबा, ये ज्यादा खतरनाक है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम वर्कशॉप पे उन सारे बच्चों को तालीम दे रही हो तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे। तुम डरते हो क्या? अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए डर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ हो। तो बताइए मिस्टर गालिब, मुझसे दोबारा मुलाकात करने की कोई वजह? हमारी पिछली मुलाकात ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता था। एक्सक्यूज मी, अब क्या हो गया? फ्रैंकोस, जी सर। ये बाहर क्या हो रहा है? जिन लोगों को आपने नौकरी से निकाल दिया था वो आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं, उन्हें बाहर निकालो और उनसे कहो कि फ्रेंच सरकार इस पर सख्ती से फैसला कर चुकी है। जैसा आपका हुक्म सर। माफ करना, आप बोले। ये सही नहीं हुआ कि तुर्कों को निकाल दिया गया, ये रिएक्शन बढ़ सकता है मिस्टर पियर। हम तुर्क को नजरअंदाज नहीं कर सकते, अगर वो लोग सख्ती से पेश आएंगे तो मजबूरन उन लोगों के लिए हमें सख्त होना पड़ेगा। मिस्टर गालिब, बस आप इस बारे में सोचें कि अजीज को किस तरह कंट्रोल करना है। मिस खानदान को माल देना थोड़ा रिस्की था, लेकिन अब सब ठीक हो गया। आपको मुबारक हो। मतलब मिस खानदान की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं? अब हर चीज मेरे कंट्रोल में है। उस हरकत के बाद से अजीज ने अब माल का पीछा छोड़ दिया। क्या आपको यकीन है?
आप परेशान मत हो। लेकिन मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तुम अजीज के खिलाफ हो लेकिन लोग उसे पसंद करते हैं और फॉलो करते हैं। अब तुम ही बताओ कि इस तरह की सूरत हाल में हम तुर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन बदकिस्मती से लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे, वो आपके भतीजे को फॉलो कर रहे हैं। अजीज सस्ती शोहरत के पीछे भाग। तुम अजीज को कमजोर समझते हो और इसीलिए तुम हार जाते हो। मिस्टर गालिब, मेरे और आपके बीच जो दोस्ती है आप मुझे वो खत्म करने पे मजबूर कर रहे हैं। पेशेंट अजीज पायदार के फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, इस वजह से उनकी सांस कम हो रही है। उनकी हालत ठीक नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट का उन पर कोई असर नहीं है। उनके फेफड़े तकरीबन खत्म हो चुके हैं। अदीब पायदार की मौत की रिपोर्ट, उनकी धड़कन बंद हो चुकी थी जब मैंने उनकी बॉडी देखी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उन्होंने अपनी ही बंदूक से अपने दिल पर गोली मारी। उन्होंने ये सब अपनी बीमारी की वजह से किया, वो अपनी बीमारी से हार चुके थे। अपनी ही बंदूक से अजीमे, ये यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसको यहाँ रख देते हैं, यहाँ ज्यादा अच्छा लगेगा। रुके, मैं एक मिनट रख के देखती हूँ कि कैसा लगता है। उसे छुओ मत, ज्यादा चालाक मत बनो। तुम्हें कैसे पता, क्या ज्यादा दिमाग चलता है तुम्हारा? इफ़नान, बहुत प्यारी लग रही हो तुम, बस किसी की नजर न लगे मेरी बहू को। सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम पे ये कपड़े, अब पहले से ज्यादा अच्छी लग रही हो। आप कह रही हैं तो शायद लग रही होंगी, लेकिन मैंने अभी अपने आप को शीशे में देखा तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। अरे बहुत अच्छी लग रही हो तुम, देखना अजीज साहब को भी पसंद आएगा। अरे लेकिन अजीज साहब को मेरे बंधे हुए बाल बिल्कुल भी नहीं पसंद। इससे तुम्हारे बाल ठीक रहेंगे, तुमने देखे नहीं थे पहले कितने गंदे बाल हो रहे थे तुम्हारे? इन्हें ऐसे ही रहने दो वरना बाल फिर से खराब हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सांस ही नहीं ले सकती। अजीमी, अजीमी, खाना उबल गया, सब कुछ उबल गया, कुछ बचा नहीं, जल्दी आओ, जल्दी चलो। इफ़नान मेरे साथ चलो, तुम्हें तो पता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता, मेरी मदद कर दो। इफ़नान यहाँ आओ। बात सुनो अजीमे, इफ़नान आज से अब इस घर की मालकिन है, आज से सब कुछ, खाने के बर्तन, सफाई, खाना बनाना और हमें खिलाना, आज से ये सब करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मतलब
सब काम मैं अकेले करूंगी? हाँ, सब तुम करोगी। सारा का सारा काम मैं करूंगी? हाँ, सब कुछ करोगी। और अभी जाओ हमारे लिए कॉफी लेके आओ। इफ़नान आओ बैठो। दरवाजे पे कोई आया है, ये तो देख सकती हो ना? तो मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाऊं? हाँ, अच्छी सी कॉफी बनाकर लाओ। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या सच में? बहुत ज्यादा खूबसूरत। अंदर आकर तो देखिए। अंदर ऐसा क्या है? ये सब क्या है? आओ बेटा अजीज। शुक्रिया, ये सब मेरे बाबा का सामान है। हाँ बेटा, ये सारा सामान हमने आज पूरा दिन में खरीदा है। और अब देखो। कहाँ से मिला आपको ये? फयाज अफंदी की दुकान से। ये सब तुम्हारा ही था अजीज, और ये काम हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। देखो, हमने लाइट्स वगैरह भी लगा दी हैं। मेरा बच्चा। बहुत शुक्रिया आंटी। ये तो मेरा फर्ज था। ये जगह अब दोबारा से घर जैसी लग रही है। साहब, क्या मैं टेबल पर खाना लगा दूं? मुझे तुमसे एक जरूरी काम है, मेरे साथ आओ जमील। इफ़नान, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कढ़ाई सिखाऊंगी। यहां आओ। साहब, मुझे बताएंगे आप यहां क्या ढूंढने जा रहे हैं? यहां सब कुछ बिखरा पड़ा है और अंधेरा भी है, कैसे ढूंढ पाएंगे हम? जमील, बाबा की बाकी सारी चीजें कहां पर हैं? क्या तुमने कहीं रखी हैं? यहां पर सब कुछ रखा है, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, जिस गन से उन्होंने खुद को गोली मारी वो कहां है? सब कुछ यहीं है, आप फिक्र मत करें। सुबह होते ही रोशनी में हम सब ढूंढ लेंगे। अभी आपको क्या चाहिए वो बताइए। तो ठीक है जमील, तुम मुझे वो गन ढूंढ के दो। ठीक है, ठीक है, मैं ढूंढता हूं। मिल गई। इस गन से उन्होंने खुद को गोली मारी? जी साहब, इसी गन से अदीब साहब की जान गई। ठीक है जमील, तुम जा सकते हो। ठीक है साहब। नहीं, ये तुम नहीं ले सकते। लेकिन तुमने इससे खेल लिया, मैं क्या करूं? दो मुझे इसको। हाथ मत लगा उसे। दो इसको इधर। दो छोड़ो। दो इधर। दो ये मुझे दो। दिलरुबा, दिलरुबा। दिलरुबा को गोली लग गई।
तुम लोग रो नहीं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। शुक्र है कि तुम ठीक हो। तो कहिए डॉक्टर, आप इतनी रात गए किस मकसद से आए हैं? कल तुम्हारा भतीजा मेरे ऑफिस आया था अपने बाबा की फाइल लेने के लिए। ये तो अच्छा हुआ कि उस फाइल में पहले से ही लिखा था कि अदीब साहब बीमार हैं। तो डॉक्टर ये बताओ कि मैं क्या करूं, क्या मुबारकबाद दूं? तुमने ये खुद को बचाने के लिए किया है। अगर आप झूठ बोलने वाले हैं तो हमें पहले से बता दीजिए। अजीज ने मुझसे पूछा था कि उसके बाबा को बीमारी है या नहीं, मैंने कहा नहीं। अब तुम मुझे उसके सामने झूठा बना रहे हो। उस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वो जिस तरह से मुझसे पूछ रहा था मुझे मजबूरन झूठ बोलना पड़ा। बहुत गुस्से में था, मैं क्या करता। तुम उस राज को खोल रहे हो जो पायदार फैमिली के हर मेंबर को खतरे में डाल सकता है। ऐसी लापरवाही से काम करना गलत है। मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता था मिस्टर गालिब। देखिए इस राज को अब मैं और किसी भी हाल में नहीं छुपा सकता, और आखिर ये बात हम उससे कब तक छुपाएंगे? एक न एक दिन उसे पता चल जाएगा कि हमने झूठ बोला था। अगर तुम उसे नहीं बताओगे, मैं और मिस्टर पियर भी नहीं बताएंगे, तो फिर वो नहीं जान पाएगा, क्योंकि उस फाइल में कुछ भी नहीं है जो वो इस्तेमाल कर सकता हो। फिर भी मुझे लगता है कि अजीज साहब इस बात को छोड़ेंगे नहीं। गालिब साहब मुझे पैसों की जरूरत है, मैं इस शहर को छोड़कर जाना चाहता हूं क्योंकि मैं इस केस का हिस्सा बिल्कुल भी बनना नहीं चाहता। तुम कहीं नहीं जा सकते, बस इंतजार करो। जो लोग शहर को ऐसे ही छोड़ जाते हैं वो तवज्जो खींचते हैं। मैंने आपकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ किया, मुझे जाने दीजिए। कोई तरीका नहीं, गौर से सुनो। जैसा कि मैंने कहा है, तुम बैठ के इंतजार करो और किसी के सामने मत आना, समझे? जी समझ गया। मेरे खुदा आज तो बहुत थक गई मैं, काम कर करके मेरी तो कमर दुख गई। ए खुदा इस निगार से बचा ले, नहीं तो मैं काम कर करके मर जाऊंगी। सच में बहुत प्यारा है इफ़नान की मंगनी का सूट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसे पहन के तो वो शहजादी लगेगी। सच में बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी इस तरह के कपड़े पहनूं, लेकिन मैं किसी महाराजा की बीवी थोड़ी हूँ, मैं तो उस जमील की बीवी हूँ। काश मैं किसी और की बीवी होती, फिर शायद वो मेरी ये ख्वाहिशें पूरी कर देता। जो मैं कहती फिर मुझे वो हर चीज ला कर देता। जैसे ये ड्रेस देखो, बिल्कुल इसी तरह के अच्छे अच्छे कपड़े पहनती मैं। फिर मैं एक एक करके अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करती जो मेरे दिल में हैं, और एक से एक महंगे महंगे कपड़े खरीदती। लेकिन मैं तो बस सोच ही सकती हूँ, मेरे ऐसे नसीब कहाँ। अब कोई फायदा नहीं ये सब सोचने का। एक तो मैं पढ़ी लिखी भी नहीं, काश मैं थोड़ा पढ़ लिख भी लेती। लेकिन मुझे पता है कि कैसे लिखते हैं। मैंने अक्सर साहब को यहाँ बैठकर इसी से लिखते हुए देखा है। पहले वो इसको निकालते हैं। ओह अजीमी, ये क्या किया तुमने? ओह ये मुझसे क्या हो गया? अजीमी तुमने ये क्या कर दिया? अब तो तुम नहीं बचोगी, आज तो तुम्हारी खैर नहीं।
मेरा दिमाग खराब हो गया था, पागल हो गई थी मैं। ये क्या कर दिया मैंने, पूरा सूट खराब हो गया मुझसे। क्या करूँ अब, पूरा खराब हो गया ये, इसको कैसे सही करूँ अब मैं। या खुदा मेरी मदद कर, मैं इसे कैसे सही करूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसे साफ होगा, कैसे साफ करूँ इसे। अरे मेरी अब हालत बुरी हो रही है, क्या करूँ मैं। मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी अब मैं, मर जाऊंगी, नहीं बचूंगी। हाय अल्लाह, कितना जोर से बांधा है, पूरे सर में दर्द हो गया मेरे। तौबा, अजीज साहब आप सो रहे थे क्या? मैं सो नहीं पा रहा। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? कुछ चीजें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। मुझे बताइए फिर। शायद बाद में बताऊं, पहले मुझे जवाब ढूंढने होंगे। तुम क्यों नहीं सो रही? बाल बंधे हुए थे, दर्द हो गया सर में। तो फिर मत बांधो, खोल दो इन्हें। ठीक है, लेकिन आपने कहा था कि मैं खूबसूरत लग रही हूं, आपको और निगार साहिबा दोनों को लगा। यहां आओ, आओ। अगर तुम्हें किसी की बात परेशान करती है तो तुम परेशान मत हो, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं इफ़नान। इधर आओ। लाओ मुझे दो। जी कहिए। डॉक्टर कहाँ हैं? डॉक्टर मरीज को देखने बाहर गए हैं। वो वापस कब आएंगे? ये तो मैं नहीं जानती, आप कौन हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मसला क्या हो जाएगा अगर मैंने घर पे खाना बना लिया तो, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, तुम्हें अभी समझना चाहिए कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। जब तुम इस घर से गई थी ना,
तब से इस घर में बस मैं ही पागलों की तरह काम किए जा रही हूँ। मजाल है कि इस घर में किसी ने मेरी थोड़ी भी मदद की हो। इफ़नान देखो, ये मुझसे सही से नहीं बन रहा, तुम मेरी मदद करो नहीं तो वो मुझे निकाल देंगे। अरे आपने उसमें बहुत पानी डाल दिया, थोड़ा आटा डालिए। डाला है मैंने, फिर भी नहीं हो रहा, हाथों पे चिपक रहा है, मुझसे नहीं हो रहा, बहुत कोशिश कर ली। इफ़नान सुनो, तुम बना दो ना, आ जाओ। हाँ हाँ बना देती हूँ। इसे तो उतार लूं पहले। लेकिन सुनो, तुम वादा करो ये बात किसी को नहीं बताओगी। अरे नहीं नहीं, वैसे एक बात बताऊं, मैं मुझे ना ऐसे फजूल बैठना बिल्कुल नहीं पसंद। अरे मतलब काम करने वाली लड़की हूँ मैं, हर वक्त काम करती रहती हूँ, कैसे बैठूं। अरे एक और बात याद आई, निगार साहिबा मंगनी धूमधाम से चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उनके सारे रिश्तेदार आए। अब जरा बताओ कि मैं उनके इतने आला रिश्तेदारों में क्या करूंगी भला। अब मैं तो उन सब में अजीब ही लगूंगी ना, बिल्कुल मुख्तलिफ लगूंगी। हाँ ये तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन तुम्हें आदत डालनी होगी वरना मेरी तरह पागल हो जाओगी। उसकी बीवी बन जाओ और आराम से फिर जिंदगी गुजारो तुम, जैसे अमीर गुजारते हैं। ऐसी जिंदगी का सपना तो मैंने देखा था, लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ। हाँ लेकिन कपड़े कितने प्यारे हैं ना, और वो हरा रंग तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इतना खूबसूरत जोड़ा तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पहना है। ऐसे चुप क्यों बैठी हैं? पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं, बहुत अच्छा लगा। सच में बहुत अच्छा लगा। तुम उन कपड़ों में एक अमीर घर की दुल्हन लगोगी। बस सब सही से हो जाए। मेरी नजर में वो कपड़े और चीजें इतनी खूबसूरत नहीं हैं जितना तुम्हारा दिल है। तैयार हो गया ये। अच्छा लाओ मुझे दो। खाना भी तैयार है। हाँ अब मैं इसे ओवन में रख देती हूँ। ये तो पहन लूँ। हाँ ये देखो। हाँ बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग इफ़नान। आइए 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 मिस निगार। ये देखें, मैंने आपके मुताबिक ये तैयार कर लिया है। निगार मैडम, अब मैं इसे ओवन में रखकर पकाऊंगी। ठीक है, जाकर इसे पकाओ। हाँ हाँ, और जरा अच्छी तरह से पकाना, समझी? जी। ये क्या, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले इफ़नान? कब बदलोगी? बदल तो लिए कपड़े। कहाँ बदले हैं, अभी भी तुम उन्हीं कपड़ों में हो। मैं इन कपड़ों में सोई थोड़ी थी, मैंने रात को बदल लिए थे। जाहिर सी बात है, इतने महंगे कपड़े खरीदे इसलिए पुराने कपड़े पहनकर सो गई थी। मुझे सब्र दे मेरे रब, अब इस घर में और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। बेटी आखिर तुमने कब लोगों को दिन में ऐसे कपड़े पहने हुए देखा है? जाओ जाकर चेंज करो, कोई दूसरे कपड़े पहनो। लेकिन ये भी तो खूबसूरत है, और ये देखिए इस पे तितली भी बनी हुई है, कितनी प्यारी है। मैं तो पागल हो जाऊंगी, कैसे समझाऊं। इफ़नान क्या तुम्हें अपनी मंगनी के लिए किसी को बुलाना है तो बताओ। नहीं बस कारखाने में काम करने वाली लड़कियाँ। अरे उन्हें छोड़ो, वो क्या करेंगी तुम्हारी मंगनी में आकर। मतलब मैं यही कहना चाहती थी कि कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग है जो तुम्हारी मंगनी में आना चाहे तुम्हारी फैमिली से। नहीं दरअसल मेरा खानदान उस कारखाने में काम करने वाली लड़कियाँ ही हैं सिर्फ। ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी फैमिली से कोई नहीं है। लेकिन चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है, ज्यादा देर में बैठी नहीं रह सकती। ठीक है बेटा। अजीमे जी। बोले मैडम। मैं अब जा रही हूँ, तुम किचन का ख्याल रखो।